लेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर की आप सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ही ली होगी, और जो जनता अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अपने माइंड में जो है वो हाइब्रिड मॉडल वाला सीन बनाकर बैठी हुई है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं करेगी, भैया उनको चाहिए कि एक चुल्लू भर पानी ले उसमें अपना नाक भिगो कर डूब कर मर जाए। और मोहसिन नकवी सर ने साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि मेरी पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं जय शाह साहब जो सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी मुलाकात होती ही रहती है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामला पर भी हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि भैया 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कंप्लीटली पाकिस्तान में ही होगी और सभी टीमें पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेंगी। और आपने देखा होगा हमारे भारतीय मीडिया पर एक हलचल भी मची हुई है कि भैया हमारे साथ क्यों दो नंबरी की गई, पहले हमें यह बताया गया कि हाइब्रिड मॉडल होगा, हमारी भारतीय टीम जो है वो दुबई में खेलेगी अपने मैचेस या फिर श्रीलंका में खेलेगी। मैं उन जर्नलिस्ट से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या भैया आपको जय शाह साहब ने अपने घर पर बुलाकर ये बात बोली थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, मुझे बता दें, या हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखने को मिली थी जिसकी वजह से आपको पता चला कि हमारी भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी। मैंने उस समय भी बोला था कि ये जो बेबुनियाद खबरें जो मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों को दिखाई जा रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के लिए ट्रेवल नहीं करेगी, ये सब झूठ है, इसके पीछे प्रोपोगंडा है, सिर्फ व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये हाई बढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो मजीद कंट्रोवर्सी जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने उस समय भी पाकिस्तान की जनता को भी समझाने की कोशिश की थी कि देखिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी में उस समय 6 माह का समय बाकी बचा हुआ था जब ये हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर हाइब्रिड मॉडल वाली बातें की जा रही थी, 6 माह का समय बाकी बचा हुआ था। हमने उस समय भी आपको बताया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और हमारी भारतीय टीम भी पाकिस्तान के लिए ट्रेवल नहीं करेगी। आपने किसी की बातों में नहीं आ रहा, मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जनता इस तरह की जो है वो खबरें सुनती थी, हमें पर्सनल में मैसेजेस करना शुरू कर देती थी कि सर आप तो ये बता रहे हैं और आपका मीडिया ये बातें बता रहा है। मैंने आप सभी को उस समय भी बताया था कि भैया देखें जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, आपने किसी अपडेट किसी न्यूज चैनल की जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं जो झूठ फैलाया जा रहा आपने किसी पर एतबार नहीं करना। अब देखें 4 माह का समय बाकी बचा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, तकरीबन 4 माह का बाकी समय जो है वो बाकी बचा हुआ है और जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है ये जो नेगेटिविटी फैलाई गई थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपने देख लिया लाहौर में कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी तो कंप्लीटली पाकिस्तान में होने जा रही है और भारतीय टीम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही है। जय शाह साहब जो भारत के सेक्रेटरी है उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है और उन्होंने ये बात बोली है कि आईसीसी का सदर बन जाना, भैया हम जय शाह साहब को मुबारकबाद देते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो मोदी भगत लोग कुछ एंकर जो है वो ये खबरें फैला रहे थे कि भैया अब तो जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के सदर बन चुके हैं, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगी। भैया मैंने तब भी वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि जय शाह साहब का आईसीसी का सदर बन जाना ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। देखें आईसीसी की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भैया आईसीसी के इवेंट को किस तरह से जो है वो सक्सेसफुल करना है और पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल के समय के बाद कोई आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और आईसीसी तो ये नहीं चाहेगा कि भैया क्रिकेट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर होना शुरू हो जाए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होती है, फर्ज करें अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होती है तो जो आने वाले आईसीसी के 3 से 4 बड़े इवेंट जो भारत में होने जा रहे हैं तो फिर वो भी हाइब्रिड मॉडल होंगे, इसमें किसका लॉस होने जा रहा है, इसमें आईसीसी का लॉस होने जा रहा है। और 2 बड़े इवेंट जो है वो भैया जय शाह साहब जो है वो सदर होंगे जब 2 बड़े इवेंट जो है आईसीसी के होंगे।
और जय शाह साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि आईसीसी को इतना बड़ा लॉस हो। रेवेन्यू रेवेन्यू की बात एक साइड पे रखें, जब जनता ही नहीं देखेगी पाकिस्तान और भारत के बगैर क्रिकेट तो भैया नामुकम्मल है। ये जो हरभजन सिंह जो मीडिया के ऊपर बाहर बैठकर ये बातें बोल देते हैं ना कि भैया हम पाकिस्तान के बगैर अपनी क्रिकेट को खेल लेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम उनके बगैर खेल सकते हैं। भैया हम उनके बगैर बायलैटरल सीरीज खेल सकते हैं, आईसीसी का इवेंट हम पाकिस्तान के बगैर कभी नहीं खेल सकते और ना ही पाकिस्तान के बगैर आईसीसी के इवेंट की कोई हाइप होती है। हाइप किस वजह से होती है? सिर्फ दो मैचेस की बिना पर हाइप होती है पाकिस्तान और भारत। और ये जो टोटल रेवेन्यू जो होता है ना आईसीसी के इवेंट का, वो एक मैच से ही बना लिया जाता है। और मुझे बता रहे हैं कि भैया स्पॉन्सरशिप कहां से लेकर आएंगे अगर पाकिस्तान नहीं होगा आईसीसी के इवेंट में या भारतीय टीम नहीं होगा, जो इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर है वो कहां से लेकर आएंगे मुझे बता दें। ये जो बहुत ही भगत लोग अपने गंदा माइंड जो बनाकर बैठे हुए हैं हाइब्रिड मॉडल को लेकर, ये क्रिकेट को बर्बाद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं अच्छे हों, क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े। देखो पाकिस्तान की जनता, भारतीय जनता तो कभी नहीं चाहेगी कि भैया आपस में कंट्रोवर्सी फैले या नफरतें फैले, तो ऐसा तो नहीं होगा। पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आए, हम उनका स्वागत करें, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम भारत में आई थी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। तो ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही थी मीडिया के ऊपर, देखें वो अब दब चुकी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।